आर्यन के स्कूल की सारी तैयारी हो चुकी है, तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं शांति से बैठने के लिए आई ही। देखो कौन शांति से बैठ पाएगा, ये हूँ मैं और ये है माइलो, एकदम ऊपर चढ़ के बैठा है। सुख और शांति ये दोनों कहाँ है, सब कुछ माइलो ने ले लिया है। हो गया हो गया, नॉटी नॉटी हो गया। आ गया और एक, क्या है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाइयों। आर्यन सुन जरा, यहाँ पे जो और एक सॉक्स था ना वो गिर गया है, वो थोड़ा सा हैंग कर दे वहाँ पे। जस्ट आर्यन गया है अभी, और देखो बारिश। वो जो बस है वो जो छोटे क्लास का है उन लोगों के लिए है, आर्यन का बस अभी तक आया नहीं है। एवरी डे लास्ट 4 दिन से, आज शायद 5 दिन होगा, 5 दिन से लगातार बारिश हो रहा है। ना ही ऑस्कर माइलो वॉक पे जा पा रहा है और ना ही कपड़े सूख रहा है। इस तरह से एवरी डे ऐसे टंगा के रखती हूँ, एक भी नहीं सूखता। गुड मॉर्निंग। तो ठंड इतना ज्यादा आजकल यहाँ पे पड़ी है ना, जितने भी गर्म कपड़े थे वो सारे निकल लिया। चलो 3-4 दिन के लिए सही, पर सारे निकलना पड़ा। एक एक गंदा हो रहा है, और वो जब मैं क्लीन कर रही हूँ तो वो भी नहीं सूख रहा है। इस तरह से हो रहा है अभी। आज तो आर्यन को स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। बोला कि मम्मा एग्जाम तो हो चुका है तो आज मैं रेस्ट ले लूँ तो कोई प्रॉब्लम है? मैं हाँ प्रॉब्लम है, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो तो छोटे मोटे प्रॉब्लम के लिए जरूरत नहीं है। आज बहुत ठंड लग रहा है, ऊपर से नींद भी नहीं टूट रहा है, सबका यही हालत है सबका। सो गाइस ये है हमारा लिविंग रूम, और लिविंग रूम का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो कुछ ऐसा रखा गया है। एंड पीछे का जो वॉल है, 3 सीटर का वॉल, हमने इस तरह से कुछ पैटर्न किया है। 3 सीटर में बैठ के अगर आप स्टेयर्स की तरफ देखो तो लुक कुछ ऐसा आएगा। सामने जो डोर है वो है वॉशरूम का, और राइट हैंड साइड में है मेन डोर। और जो कोर्टयार्ड एक जगह है ना जहाँ पे मैंने बुद्धा सेट करूँगी, मैंने बोला था, तो वो बुद्धा की उस तरफ से अगर आप रूम को देखो तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो एक तरफ है बुद्धा वाला वो वॉल, और राइट हैंड साइड में जो आप देख रहे हो ये है हमारा डाइनिंग। सामने किचन दिखाई दे रहा है, पर किचन में मुझे कुछ चेंजेस करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और ये है किचन का बिल्कुल उल्टे साइड का, मतलब डाइनिंग का बिल्कुल ऑपोजिट साइड का वॉल, जहाँ पे बहुत बड़ा मिरर लगाया गया है। और ये है किचन का फ्रंट व्यू लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में जो फ्रिज देख रहे हो, तो सिंक के तरफ से अगर आप किचन को देखो तो ऐसा कुछ लुक आएगा। फ्रिज के तरफ से और फ्रिज के साइड से अगर किचन को देखो तो सिंक का लुक आया है। और गैस स्टोव की तरफ से अगर देखो तो राइट हैंड साइड में जो लुक है वो तो आपको डाइनिंग तक दिखाई देगा, वो वाला लुक है। और ये है हमारा गेस्ट रूम। तो गेस्ट रूम में हमने और एक सेट बनवा लिया है, वो है क्वीन साइज का। और अगर किसी के साथ बैठ के बात करने का मन करे तो वो सोफे का काम करेगा। जो वार्डरोब है, वार्डरोब की तरफ से अगर आप देखो तो कुछ इस तरह से दिखेगा गेस्ट रूम। एक टीवी लगा रहेगा, बस सिंपल सा होगा। और ये है बेड में सोते हुए, अगर आप सामने की तरफ वॉल को देखो तो लुक कुछ ऐसा आएगा। और अगर जो सोफे जैसा जो एक सिटिंग एरिया बनाया है वहाँ से लेके अगर आप गेस्ट रूम को देखो तो वॉल कुछ ऐसा आएगा। मतलब घर के चारों तरफ का जो एंगल है वो मैं आपको दिखा रही हूँ एक एक रूम का। और इसमें जो आपने हमें एक रेफरेंस फोटोग्राफ, हाँ, ये बहुत अच्छा हुआ। हाँ, थोड़ा सा बीडिंग आपने क्या बोला, बहुत अच्छा बना। थैंक यू। और हम चाहें तो हम दोनों तरफ भी लाइट डाल सकते हैं। हाँ, दोनों तरफ लाइट ज्यादा अच्छी लगी, वही मैं आपको नेक्स्ट बोलने वाली थी। वो दोनों तरफ लाइट लटक हुई होती है तो कर सकते हैं। आंसर नहीं, एक्चुअली हम दोनों का ही ना थोड़ा बुक्स पढ़ने का आदत है रात को, तो इसलिए। अच्छा अच्छा ठीक है, तो परफेक्ट है। तो अगर वैसा है तो हम दोनों तरफ लाइट का प्लान कर सकते हैं।
प्लान कर लिया, लेकिन टीवी के साथ हमने नीचे वो जो टिपिकल एक बॉक्स आते हैं नहीं, नहीं, वो नहीं चाहिए। हाँ, वो ना करने के बजाय हमने क्या किया, एक छोटा सा पोर्शन हमने ओपन रख लिया, एक तरफ वॉल पेंट ले लिया, उसके साथ हमने एक थोड़ा सा टून डाउन वॉलपेपर प्लान कर लिया, थ्री सीटर सोफे का प्लान किया है जो हमारी लेफ्ट और राइट वाली यूनिट के बीच में आ गया। तो ये है हमारा बेडरूम एंड ये कलर कॉम्बिनेशन ही हमने सिलेक्ट किया है, मतलब बाद में चेंज भी कर सकते हैं। और बालकनी की तरफ से अगर आप रूम को देखो तो ऐसा कुछ लुक आएगा। और राइट हैंड साइड में है टीवी, और ये बेड में बैठ के अगर आप देखो तो सामने है क्लोसेट एरिया और टीवी। और बेड को अगर बालकनी के उल्टे साइड के वॉल की तरफ से देखो तो कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि बेड के राइट हैंड साइड में एक बालकनी है तो वो दिखाई दे रहे हैं। और ये है हमारा क्लोसेट एरिया, पर इसका जो शटर है ये हम चेंज करने वाले हैं, जो वाइट कलर का जो शटर आप देख रहे हो वार्डरोब का, वो हमें पसंद नहीं आया। क्लोसेट एरिया का दोनों तरफ रहेगा वार्डरोब, और वार्डरोब को अगर सीधा सीधा देखो तो सामने आ जाएगा हमारा एक छोटा सा ड्रेसिंग टेबल, क्योंकि एक मिरर होना बहुत ज़रूरी है। और जो सामने डोर दिखाई दे रहा है वो है हमारा वॉशरूम का, मास्टर बेडरूम के वॉशरूम का डोर। और ये है आर्यन का बेडरूम, जो कि फुटबॉल है वो फुटबॉल को हटाना है, प्लस प्लस जो कुछ रैक आपको दिखाई दे रहा है वो हमें हटाना है। ये है आर्यन का स्टडी एरिया, और पास में जो छोटा सा मतलब दिखाई दे रहा है वो है उसका क्लोसेट एरिया, बालकनी। बालकनी में और क्या डिज़ाइन है, पर इस तरफ से अगर देखो तो रूम कुछ ऐसे दिखाई देगा, उसके रूम में एंट्री करते ही रूम का कुछ लुक ऐसा है, और बालकनी में खड़े होकर उसका रूम कुछ ऐसे दिखेगा। ये है आर्यन का क्लोसेट एरिया अगेन। वार्डरोब का जो शटर है वो हमें पसंद नहीं आया, पर मिथुन बोल रहे हैं ज़्यादा फैंसी शटर देने की ज़रूरत नहीं है, आर्यन मेंटेन नहीं कर पाएगा। और ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर का लिविंग, पर ये हमें कम्प्लीटली चेंज करना है, क्योंकि मिथुन का जो ऑफिस रूम है उसे हमने सरेंडर की है गेस्ट रूम के लिए। तो यहाँ पे प्रॉपर ऑफिस रूम होगा, जो कि लाइब्रेरी कम ऑफिस, और दिखने में भी काफ़ी रिच और लग्जरी लुक आएगा। ये भी दिख रहा है, पर ऑफिस के नाम पे एक साइड में थोड़ा सा डेस्क लगा के एक चेयर लगाया गया है, तो वहाँ पे काम करके मतलब मज़ा नहीं आएगा। तो मिथुन को एक प्रॉपर ऑफिस रूम चाहिए, तो इसलिए हम कुछ और डिज़ाइन देने वाले हैं जो कि इससे भी बढ़िया होगा। मेरे ख्याल से आपके इनपुट के बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया है, दोनों तरफ दो टाइप की बिलिंग का प्रोफाइल का हमने प्ले किया है। और ये है मेरा स्टूडियो रूम। स्टूडियो रूम में जैसे कि बैकग्राउंड की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे कोई फर्नीचर वगैरह तो कुछ नहीं होगा, एक सिंगल सीटर शायद सोफ़ा होगा, कुछ प्लांट्स होगा, मतलब प्रॉप्स होगा, और वॉल के डेकोरेशन कुछ अलग अलग होगा, क्योंकि जिस तरफ जो भी मुझे वीडियो करने का मन करे उस तरफ ही मैं अपना बैकग्राउंड बना सकूँ। और मेरा जो वैनिटी है उसका डिज़ाइन अभी तक नहीं दिया, मैं अपने बाथरूम को सरेंडर कर रही हूँ, मतलब इस रूम के बाथरूम को मैं सरेंडर कर रही हूँ मेरे वैनिटी के लिए, पर वो उन्होंने नहीं बनाया। नेक्स्ट जो वो लोग प्रेजेंटेशन मेरा वैनिटी और गार्डन दोनों का ही देंगे, तो उस टाइम मैं ये दो आपको दिखा दूंगी। जैसे कि ये एरिया को देखो, सामने आपको मंदिर दिखाई देगा और यहाँ पे सिटिंग एरिया, मंदिर के तरफ पीट करके कोई बैठता नहीं है, तो चेयर वगैरह का जो डिज़ाइन है वो हम इस तरह से डाल देंगे। बहुत बड़ा स्पेस है, और मंदिर का डिज़ाइन आप देखो, मंदिर का डिज़ाइन जैसे कि मैंने आपको दिखाई थी, और आप लोगों ने बोला था वुड एंड वाइट में आप करो, वुडन और वाइट में करो, पर उन्होंने पूरा वाइट कर दिया, क्योंकि मैंने पहले बोला था बिल्कुल वाइट करने के लिए, तो इसे भी हमें चेंज करनी है। और ये है रेलिंग, आप देख सकते हो जो स्टेयर्स के सामने है वॉशिंग का एरिया, और यहाँ पे है स्टेयर्स। तो आपको हमारा घर का, नए घर का ये डिजाइन कैसा लगा मुझे जरूर बताना। और कुछ चीजें वहाँ पे था जो कि मैं एक्चुअली शूट करना भूल गई थी, बिकॉज आपको पता है कि वहाँ पे अगर मैं पूरा टाइम शूटिंग पे बिजी रहती तो क्या क्या चेंजेस करना है, क्या क्या मुझे नहीं चाहिए, वो मैं उन लोगों को बता नहीं पाती। और नेक्स्ट मैं जो रिवाइज करके भेजूंगी वो होगा फाइनल, तो जो भी मुझे कमियां निकालनी है उनमें से निकालनी है, जो भी कलर चेंज करना है वहाँ पे चेंज करनी है। आप लोगों का भी कुछ इनपुट रहे तो दे देना। इसलिए मैं हर एक चीज आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप लोगों का भी कोई इनपुट रहता है तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि एक दिमाग जब काम करे तो एक अच्छा काम बनता है, दो दिमाग काम करे तो और भी अच्छा काम बनता है, और कई सारे दिमाग अगर एक साथ सजेशन पे काम करे तो और भी ज्यादा मतलब बेस्ट रिजल्ट निकलता है। और उसके साथ साथ है तो इंटीरियर वाले मतलब अमेजिंग डिजाइन से, अमेजिंग डिजाइन कॉन्सेप्ट है उनका। तो यहाँ पे किचन का मैं कुछ चेंजेस कर रही हूँ कि किचन में आपने जो देखा एग्जैक्ट वैसा नहीं आएगा, कलर नीचे वाला ठीक है पर ऊपर बिल्कुल व्हाइट, एकदम मिल्क व्हाइट। जब मैं शूट करूंगी तब सब सफेद सफेद दिखेगा जो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कुछ कलर के चेंजेस किए हैं,
वो आपको नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी, या तो जब बन जाएगा तब देख लेना। और उसके साथ साथ किचन के सारी चीजें चेंजेस होगा। एंड क्या आपको बोलना था, एक हाँ, किचन एक साइड में है डाइनिंग के, और डाइनिंग के दूसरे साइड में भी आपको किचन ही दिखेगा क्योंकि फुल लेंथ मिरर हो रहा है। उन लोगों का कहना है कि आपके पास जब इतना बड़ा वॉल है तो वहां पे प्रॉपर यूनिट बना के, जो कि बहुत कॉमन डिजाइन है कि एक साइड किचन, बीच में होगा डाइनिंग और दूसरे साइड में होगा प्रॉपर यूनिट, ऐसे ना बना के आप उस साइड को एक रिच लुक दो। तो फुल मिरर हो रहा है और दोनों साइड में कुछ बीडिंग का काम हो रहा है जो कि लाइट के साथ, मतलब आपने जो देखा कुछ पिक्चर में इतना अच्छा समझ में नहीं आ रहा था, पर वो लोग जब समझा रहे थे तो बहुत अच्छा लगा। और हर एक चीज के पीछे जो कारण है वो भी हमने समझाया, और ऑल ओवर जो लुक है वो तो मुझे बहुत ही पसंद आया, हम सब लोगों को बहुत पसंद आया। पर आर्यन के बेडरूम में बेड का एक चेंजेस होगा, मेरा जो वैनिटी है वो आपको दिखाई नहीं क्योंकि वो वैनिटी उन लोगों ने प्रिपेयर नहीं की, एक्चुअली भूल गए। और मंदिर के वहां पे भी एक चेंजेस होगा, तो चेंज करके बाद ही आपको दिखाऊंगी, इसलिए मैंने रखा है। और हाँ, और कुछ कुछ चीज चेंज होगा, ऑलमोस्ट डिजाइन जो है वो एकदम बजट के हिसाब से, हर किसी का अपना अपना बजट होता है ना, तो हमारा जितना बजट है उसके अंदर ये मतलब बेस्ट उन्होंने किया है। आप लोगों का सजेशन हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, आप लोग हमें फैमिली मेंबर मानो ना मानो, हम लोग आपको फैमिली मेंबर मानते हैं। और बड़ा कोई काम करने के लिए जब मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी है कि किसका सजेशन लू, तो ये तो और भी बड़ी, मतलब इसे काम में लगाना चाहिए। और जो स्टेयर्स आपने देखा है ना, वो बिल्कुल ब्लैक स्टोन का है हमारे अभी घर पे, पर उन्होंने कहा कि ब्लैक बहुत ही ऑड दिख रहा है पूरे घर में, पर उसका बजट अलग से है। वो जो पैकेज जो हमने सिलेक्ट किया है उस पैकेज के अंदर नहीं आता, पर वो अगर पूरा मार्बल करने जाओ तो बहुत ज्यादा बजट आ जाएगा। पर उन्होंने कहा कि कम खर्च में अगर उसको चेंज करना है तो उसमें आप कारपेट डाल दो, बेज कलर का कारपेट डालने के लिए बोला है, पर वो तो बहुत ही कोजी लुक देता, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि स्टेयर्स में पूरा कारपेट बिछा हुआ रहेगा। पर ऑस्कर और माइलो की वजह से मुझे नहीं लगता कि एक साल से ज्यादा वो टिकेगा, क्योंकि उसका जो नेम है वो लोग बोल रहे हैं कि 2-3 साल तक टिकेगा, लेकिन हर 2-3 साल में उसे चेंज करना पड़ेगा, वो एक हेक्टिक है, एक हेडेक बन जाएगा, एक और कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है। तो हर 2-3 साल का आपका एक बजट बना रहेगा कि आपको वो स्टेयर्स का कारपेट चेंज करना है। वायदा भाई, मुझे इस चीज का खुशी है कि इंटीरियर के एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट की, अभी तक तो बस एडवांस करने के बाद थोड़ा सा बातचीत चल रहा था, और अभी खुद अपने आंखों से अपने घर को देखा कि ऐसे इंटीरियर करने के बाद कैसा दिखेगा, तो वो चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट की, और सेकेंड तो इसे रिवाइज करके फिर से वो लोग भेजेंगे जो छोटे मोटे चेंजेस मैंने बोला है, और वो होने के बाद वो लोग फाइनली वो सब उनके जो वेयर हाउस है वहां पे बनाना स्टार्ट करेंगे, फिर आके फिक्स करना है और क्या। लंच के बाद और अभी हम शाम को मिल रहे हैं, बिकॉज हमारे घर का जो डिजाइन देखा ना, तो उनमें से जो वार्डरोब का डिजाइन था वो मिथुन को बहुत मतलब अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मेरे लिए चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा जितना भी इनपुट देना था वो किचन और डाइनिंग के अलावा मुझे और कुछ सोचता ही नहीं है, पर मिथुन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया वार्डरोब का डिजाइन मुझे उतना पसंद नहीं आया, मैंने बताया भी है। और किचन में भी कुछ मेरा चेंजेस लगा करने के लिए किचन और डाइनिंग एरिया में। एरिस्टो का जो स्लाइडिंग डोर्स है वो डोर हम लोगों को मतलब पसंद आया, तो उनको बोला। हम लोग सोए नहीं, बस खाना खाने के बाद ही उसको लेके हम चर्चा करते रहे कि क्या प्रॉब्लम। मुझे लिविंग बहुत अच्छा लगा, लिविंग का डिजाइन एक्सेलेंट लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम सोबर और मतलब एक रिच लुक आ रहा है। घर का मॉडर्नेस ठीक ठाक है, लेकिन वार्डरोब में मैं थोड़ा अभी भी कंफ्यूज हूँ। और आज आपके लिए अच्छे से व्लॉग नहीं बना पाई, जो कि मैं रेगुलर बनाती हूँ और मुझे भी बहुत मजा आता है, पर आज जबकि शुरू किया है तो खत्म करना पड़ेगा, इस तरह से आज मैंने बनाई। पर आज बहुत वैल्यूएबल चीज आपके साथ शेयर की, मेरे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज आपके साथ शेयर की, और आप जरूर बताना वो आपको कैसा लगा और आपको कहाँ कहाँ पे चेंजेस करना है, तो मैं भी सोच के देखूंगी, अगर होता है, अगर वो सच में बहुत अच्छा काम करता है तो वही करूंगी। ठीक है, चलिए, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।